उस बच्चे को देखें जो बोर्ड पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले उसे शिक्षा के महत्व के बारे में भी नहीं पता था। उसे ये तक नहीं पता था कि पेंसिल कैसे पकड़नी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गली के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। ये बच्चे, जिनमें से अधिकतर बाल मजदूरी करते हैं, यह भी नहीं जानते थे कि वो जो पैसा कमाते हैं उसकी गिनती कैसे करें। लेकिन अब और नहीं, अगरतला में इन गली के बच्चों को नई राह दिखाने के लिए एक परिवार के 5 भाई बहन आगे आए हैं। पांचों भाई बहनों ने 16 जून से त्रिपुरा की राजधानी में सड़क पर रहने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने शहर के बटाला इलाके में एक फ्लाईओवर के नीचे इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना शुरू किया है। रोड साइड में जो बच्चे रहते हैं, जो हम हर रोज आते जाते देखते हैं, उन लोगों को कोई ना कोई एनजीओ आके खाना दे जाते हैं, लेकिन उन लोगों की एजुकेशन के लिए कोई इनिशिएटिव हम नहीं देख रहे। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, हम 5 जन मिलके, 5 brothers sisters टुगेदर, वी हैव टेकन द इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर माइंड बेसिकली। सो तो माइंड के डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट नीड इज एजुकेशन, सो वी नीड टू डेवलप देम फ्रॉम द बेसिक नीड्स, दैट इज एजुकेशन। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। हाल ही में परास्नातक पूरा करने वाले जयंत मजुमदार ने बताया कि उन्हें सड़क पर रहने वाले बच्चों के माता पिता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सभी अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लिए भेजने में सहयोग कर रहे हैं। अब तक 7-8 स्टूडेंट्स आए हैं, उनमें 4 स्टूडेंट्स को हमने एक चाइल्ड होम के साथ बात करके गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से हैंडओवर कर दिया है। वो लोग अभी चाइल्ड होम में रहेंगे, वो अभी एजुकेशन लेंगे और वो लोग उनको देखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उन्होंने। एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 4 जो भाई है वो अभी कोई एजुकेशन ख़त्म हुआ, कोई अभी स्टडी पे है, कोई PhD कर रहा है, ऐसा है। तो अभी हम लोग सब ऐसे ही कर रहे थे। और हमारा जो एक्चुअली मोटो था, स्ट्रीट जो चिल्ड्रन है उन लोगों को एजुकेशन देना, उन लोगों की लाइफ उन लोगों के माँ बाबा से, माता और पिता से बेहतर करने के लिए हम लोग ये शुरुआत किए। 5 भाई बहन सड़क पर रहने वाले बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वे आगे बेहतर जीवन जी सकें। स्थानीय पुलिस भी इन पांचों की मदद कर रही है। कभी कभी बच्चों के माता पिता नाराज हो जाते हैं जब उनसे बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने को कहा जाता है। पुलिस पांचों को विपरीत परिस्थितियों में मदद कर रही है। अगरतला के 5 युवा विविध पृष्ठभूमि से हैं। इनमें से कुछ ने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी कर ली है तो कुछ शोध कार्यों में लगे हुए हैं। वे कोई भी हों, लेकिन यह निश्चित है कि वे अपनी शिक्षा का सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं। वे अगरतला के गली के बच्चों के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।